सब फ्रेंड्स, अभी है दोपहर का टाइम और मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं किस तरीके से दोपहर का खाना बनाती हूँ, तो आज आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ वीडियो के साथ बनी रहिएगा, एंड तक देखिएगा। आप अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। फ्रेंड्स चलो अभी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले काम की शुरुआत कर देते हैं। तो चलो आप देखते जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आलू को वॉश करके टोकरी में रख दूंगी, ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा होता है ना वो निकल जाएगा। तो मैं टोकरी के अंदर, ये फ्रूट की टोकरी है वैसे तो, पर आज मैं आलू वॉश करके इसके अंदर रख दूंगी, ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा अच्छे से जल्दी से जल्दी। नहीं तो पानी वाले अगर आलू ऐसे रख देंगे ना तो आलू जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से सुखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी टेम्पो आया था, उधर से लिया है हमने आलू, तो धो के रखेंगे। आलू को तो वॉश करके मैंने साइड में रख दिया है अच्छे से सुखाने के लिए। और यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, तो पानी को अच्छे से उबाल लिया है और दो तीन पानी से मैंने अच्छे से चावल को वॉश कर लिया है। तो देखिए अभी चावल हमारा यहाँ पर रेडी हो रहा है। तो चावल के अंदर नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर जीरा राइस बनाते हैं तो ऑयल ऑलरेडी पहले ऐड कर लेते हैं, लेकिन आज मैं सादा राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जीरा राइस बहुत कम पसंद करती है, तो उसके लिए सादा राइस है। तो अभी मैं यहाँ पर पहले गार्लिक के छिलके उतार लेती हूँ। तो गार्लिक के लिए छिलके उतारने के लिए आसान तरीका है कि आप इसको आधे घंटे या एक घंटे पहले जब भी याद आए तब आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा लहसुन को, ताकि इसको क्या होता है ना कि इसका आसानी से छिलके उतर जाते, देखिए हाथ की सहायता से ही, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जल्दी से जल्दी हो जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि छिलके नहीं उतरते हमारे जल्दी से, टाइम कम होता है, छिलके नहीं उतरते जल्दी जल्दी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो जब भी आपको मन करे पानी में छिलके लहसुन को भिगो के ज़रूर रखते और छिलके आसानी से उतर जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं छोले और चना दोनों को भिगो के रख दिया था। देखिए 150 ग्राम हमने यहाँ पर चना लिया था, 150 ग्राम छोले लिया था, दोनों की सेम क्वांटिटी ली थी और इसको रात को भिगो के रख दिया था। और अभी मैंने इसको 5 से 6 सीटी आने दी थी, अच्छे से पक चुके हैं हमारे चने और छोले। बहुत बढ़िया सब्ज़ी लगती है मेरे घर में, तो बहुत पसंद आती है सबको। तो अभी मैं यहाँ पर बारीक चॉप कर रही हूँ ऑनियन, ऑनियन को एकदम छोटे छोटे पीसेस में हम काट लेंगे सबसे पहले। व्लॉग मुझे अच्छा लगता है वैसे तो बनाना, और बहुत सारे फ्रेंड मेरे इंस्टा के ऊपर जो फ्रेंड है ना वो मुझे रोज़ बोलते हैं कि दी आप रेसिपी के साथ साथ कभी कभार एक दो व्लॉग भी ऐड कीजिएगा हफ्ते में एक दो बार, तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मुझे व्लॉग ज़रूर बनाना चाहिए। और सच में बताऊँ तो व्लॉग में मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा खासा मिलता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, पसंद भी करते हैं मेरे व्लॉग। तो क्योंकि मेरी बड़ी फैमिली है और सबके सामने मैं कैमरा उठा के नहीं फिर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना कोई नहीं बोलता है मेरा वीडियो शूट करो या ना करो, ऐसा कोई नहीं बोलता है, लेकिन मुझे ऐसे ही किसी का वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैं आपको मेरी फैमिली से धीरे धीरे मिलाती जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाऊँगी, मिलाऊँगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ऑनियन को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक प्लेट के अंदर, क्योंकि इसको मुझे वॉश करके रखना है, ऑनियन काटते ना तो स्मेल आ जाती है फिर, तो जल्दी से जल्दी मैं चॉपर को साफ़ कर दूंगी। हाँ तो चलो अभी हम बनाएंगे यहाँ पर छोले और चना की सब्ज़ी, मेरे घर में किस तरीके से बनती है आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, और भी रेसिपी मैं बनाऊँगी जो आप आज मैं आपके साथ व्लॉग के अंदर ही शेयर कर दूँगी, तो आप बस देखते जाइए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे रिफाइंड ऑयल, तो इसको हमें अच्छे से गरम कर लेना है। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि रिफाइंड ऑयल ही लेना है, आपके घर में जो यूज़ होता है ऑयल वही ले लीजिए। यहाँ पर हमने एक चम्मच ऐड किया है सरसों और एक चम्मच ऐड किया है जीरा, और थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब, क्योंकि छोले और चना की सब्ज़ी है भाई, तो हींग तो ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो हम सब सब्जियों में ऐड करते ही हींग, ऐसा नहीं है कि छोले की सब्ज़ी में ऐड करना है, लेकिन क्या होता है ना कि छोला की जो चना की या ऐसी कोई सब्जियां होती है तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा हींग ऐड करना होता है, क्योंकि नहीं तो हमारे पेट के लिए कभी कभार गैस हो जाती है पेट में, या तो पेट में दर्द होता है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा हींग ऐड करना होता है।
तो फ्रेंड्स ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुकी है। तो अभी हम ऐड करेंगे ये मसाला। तो आप सोचते होंगे कि ये मसाला कभी बनाया, क्या ऐड किया, कुछ भी दिखाया नहीं है। तो मैं बता देती हूँ, आप बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाइए। इसके अंदर हमने 3 टमाटर ऐड किए थे, 3 हमने ग्रीन चिली ऐड की थी, 10 से 12 कड़ी हमने इसके अंदर लहसुन ऐड किया था और अदरक का एक टुकड़ा ऐड कर लिया था और बस इसका सादा सिंपल सा पेस्ट बना के रेडी कर लिया था। क्योंकि बच्चों को टमाटर के छिलके अगर मुंह में आते ना तो बच्चे नहीं खाते, सब्जी खाना ही नहीं पसंद करते। टमाटर उन लोगों को बहुत ही बुरे लगते हैं, कच्चे खा लेते, लेकिन अगर सब्जी वाले जो अंदर रह जाते ना तो बच्चे बहुत परेशान करते, ये मम्मा अभी निकाल के दो, या तो बोलते हम सब्जी नहीं खाएंगे, बहुत परेशान करते। तो इसके वजह से हम इसको पेस्ट बना लेते हैं, मिक्सर जार के अंदर पीस लेते हैं। तो अभी ये जो पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है, अभी ऑयल छूटने तक पकाना है। तो फ्रेंड्स आप देखते ही होंगे कि ऑयल अच्छे से ऊपर आ चुका है, ऑयल में अच्छे से भून लेना है हमें। और अभी हमें ऐड करना है स्पाइसी मसाला, तो जैसे कि धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और रेड चिली पाउडर है। तो ये सारे जो मसाले आप अपने घर में जैसे ऐड कर सकते हो और करते हो वैसे ही ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं डालती हूँ इसके हिसाब से ही डालना है। क्योंकि मेरे घर में तो थोड़ा कम तीखा खाया जाता है तो मैं इसके हिसाब से कम ऐड करती हूँ। आपके घर में अगर ज़्यादा तीखा भी पसंद करते हैं सब लोग तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा ज़्यादा मसाला, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। ऑयल छूटने तक मसालों को भूनना है हमें। कोई भी सब्जी आप बनाते हो ना तो अच्छे से पकाना ग्रेवी को बहुत ही ज़रूरी है। जब तक मसाले में से ऑयल ना छूटे तब तक इसके अंदर कोई भी सब्जी ऐड ना करें। देखिए ग्रेवी में से अच्छे से ऑयल छूटा तो हमने अभी इसके अंदर चना और छोला ऐड कर लिया है। इसकी सब्जी तो बहुत ही पसंद आती है और ये सब्जी हमें हमारे घर में ग्रेवी के अंदर ही बनती है। और थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखते हैं हम, ठीक नहीं रखते क्योंकि चावल के साथ ज़्यादा करके खाते, रोटी के साथ भी खाते, लेकिन हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो रोटी के साथ कम खाते, पूरी के साथ या तो फिर इस सब्जी को चावल के साथ खाया जाता है। तो इसके वजह से मैं थोड़ा इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ। और रसे वाली ये सब्जी बहुत पसंद करते हैं बच्चे लोग। तो देखिए नमक भी ऐड कर लेंगे इस सब्जी के अंदर और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारा जो मसाला है चना और छोला के अंदर भी जाए और टेस्ट जो है बढ़िया से बढ़िया आ जाए। नमक मैंने थोड़ा ऐड किया है अभी क्योंकि छोला जब पकाया था ना, छोला और चना उसके अंदर तभी भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया था, तो अभी मैंने थोड़ा सा ही नमक ऐड किया है। तो फ्रेंड्स छोले वहाँ पर बन रहे और यहाँ पर मेरे चावल देखिए एकदम छुट्टे छुट्टे बन के रेडी हो चुके हैं क्योंकि मैंने ऐड किया था इसके अंदर ऑयल। ऑयल ऐड करते हैं ना तो चावल एकदम छुट्टे बनते हैं, देखिए एकदम वाइट कलर आ चुका है। तो चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर अभी छोले भी हमारे बन रहे हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है छोले को, बस थोड़ा सा पका लेंगे। और अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला बहुत ही ज़रूरी ऐड करना, देखिए ये किचन किंग मसाला है जिसको हमने ऐड कर लिया है और अभी हम मिक्स करेंगे। गरम मसाला जब आपकी सब्जी जो है पकने में अभी 2-3 मिनट ही बाकी हो तभी ऐड कर लीजिएगा, इससे पहले नहीं ऐड करना है, नहीं तो इसकी खुशबू जो है चली जाती है। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो छोला की चना की सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको मैंने ढक के रख दिया है और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। तो ये आटा मैं पूरी के लिए लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पूरी के लिए आटा लगाने के लिए किस तरीके से आटा बांधा जाता है वो तो आपको पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मैं आपके साथ अगर बताने के लिए बैठूँगी तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं डिटेल्स में तो नहीं बता सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा अभी मैं बता दूँगी आपको कि मैंने आटा लिया है। आटा कोई फिक्स नहीं है, मेरे घर में जिस तरीके से आटा खाया जाता है इस तरीके से मैंने ज़्यादा ही आटा ले लिया है क्योंकि मेरी 10 लोगों की फैमिली है और पूरी बनती है तो ज़्यादा ही बनती है हमारे घर में, सब बहुत पसंद करते हैं पूरी और छोले की सब्जी होती है। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है देखिए ताकि चिपके ना हमारा आटा। तो जब भी पूरी का आटा होता है ना तो इसको थोड़ा सा कड़क रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आटे के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर लिया था और इसके अंदर नमक ऐड किया था। इस तरीके से पूरी का आटा मैंने बनाया है। आप चाहे तो थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना चाहते हो या तो फिर जीरा ऐड करना चाहते हो, थोड़ी सी हल्दी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा चिपक चुका है नीचे तो वापस ऑयल लगा के हमने हटा लिया है आटे को, देखिए
और बहुत ही मसल मसल के ये आटा हमने रेडी किया है, तो इसकी हम बनाएंगे पूरी। बहुत फूली फूली पूरी बनती है। आपकी पूरी अगर नहीं फूलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि आपकी पूरी के लिए कैसा आटा चाहिए, क्यों नहीं फूलती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। मुझे रेसिपी बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड। जब हमें कोई चीज़ का बहुत शौक़ होता है, बहुत अच्छा लगता है, तभी हम जाके ये बनाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है रेसिपी बनाना, और घर में सब लोगों को खाने का भी बहुत शौक़ है, तो इसके वजह से हमारे घर में कुछ ना कुछ नया बनता रहता है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ ताकि आप लोग भी इस तरीके का नया नया नाश्ता बनाते रहे। तो देखिए, इस तरीके से बड़ा बड़ा रोटी बना लेना है हमें, और एकदम पतला बेलना है रोटी को, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। और इस तरीके से देखिए, कटोरी कोई ले लीजिए या तो ग्लास ले लीजिए, उसकी सहायता से इस तरीके से कट कर लेना है, पूरी निकाल लेनी है। और अभी हमें ऑयल चेक कर लेना है गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है फ्रेंड्स, देखिए ऊपर आ चुका है, थोड़ा सा आटा ऐड किया था, तो अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर पूरी। तो आप देखिएगा हमारी पूरी फूलती है या नहीं, आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी पूरियां फूलती है, मुझे भरोसा है मेरी पूरी के ऊपर। मैं जब आटा लगाती हूँ तभी इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं फेंटती हूँ ताकि अच्छे से पूरी हमारी फूले। तो आप देखते होंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ये पूरी है, फूल रही है, देखिए, है ना फ्रेंड्स। देखा ना कितना बढ़िया तरीके से हमारी पूरियाँ एकदम फूली फूली बनी है, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेती है ये पूरियाँ। बहुत अच्छे से हमें इसको पका लेना है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर कर लेना है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, आपकी पूरियाँ भी फूली फूली बनेगी। देखिएगा, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर फ्रेंड्स कि मेरी पूरी फूली फूली आपको अच्छी लगी कि नहीं, कमेंट करके बताना ज़रूर। बहुत बढ़िया लगती है टेस्ट में, बहुत ही अच्छी लगती है, पलट नहीं रही थी क्योंकि फूली फूली जो पूरियाँ हैं पलटाने में थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारी पूरियों का, तो अभी हमें इसको साइड में निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके की पूरियाँ हैं, बहुत फूली फूली सी। गुड इवनिंग, मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बात हो जाए, बाद में ही वीडियो का एंड करते हैं। आज दोपहर की मैंने रेसिपी शेयर की है, आपको कैसी लगी वो तो मुझे कमेंट करके बताना ही है ज़रूर, और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, बेल को भी ज़रूर प्रेस कर देना है ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और आप मेरे वीडियो में कैसा ब्लॉग या कैसी रेसिपी देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस तरीके का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। मुझे इंस्टा के ऊपर मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे रिक्वेस्ट करती रहती है कि आप रेसिपी के साथ साथ व्लॉग भी बनाती रहिएगा हफ्ते में एक दो बार, तो हमें अच्छा लगेगा। तो आप इंस्टा के ऊपर ज्वाइन होना चाहती हो तो मेरी इंस्टा की लिंक अगर चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो फिर बाद में मैं आपको मुझे याद आएगा तो अभी मैं इंस्टा की लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इंस्टा के ऊपर बहुत सारे जो जेंट्स लोग आते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे जेंट्स लोगों से कोई बात नहीं करनी है, और उनसे मैं ज्वाइन होना नहीं चाहती हूँ। मैं ओनली लेडीज़ लोग या गर्ल्स लोग कोई भी है उनको सपोर्ट भी करूँगी, उनके साथ ज्वाइन भी हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे जेंट्स लोगों के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है बस। तो इसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इंस्टा की लिंक ज़रूर दे दूँगी, लेकिन ओनली गर्ल्स हो लेडीज़ हो वो मुझसे बात कर सकते हैं बेफिक्र हो कि कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी सपोर्ट हो, तो हम जितना हो पाएगा आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस मेरे छोटे ससुर जी ऑफ हो चुके हैं, आपको मैंने पहले बता दिया है, तो चलो अभी हम ज़्यादा बातें तो नहीं करेंगे। और दो दिन से हमारे यहाँ पर लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तो वो भी बहुत खुशी की बात है। तो अब अगर कपड़े वगैरह कुछ चाहिए तो अभी हम लेने के लिए जाएंगे, तो आपके साथ हो पाएगा तो शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, चलो वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल की रेसिपी या वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।